तो इस जंगल में हमें बहुत सारी चीजें मिली। ये खूबसूरत देखो जंगल, ये पहाड़ियाँ, और ये देखो भाई भी मिले हमें। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नहीं यार, नाम बता दो। हाँ जी, डर लागे कुछ नहीं, डर तो डर रहा क्यों? डर गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका नाम नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेचारे डर गए भाई, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत, इससे भाई डर गया कोई नहीं। तो ये दोस्तों इनके पास ये था महुआ, ये जिस चीज की मैं बात कर रहा था यही है महुआ। इससे बनती है शराब जो आदिवासी लोग पीते हैं, भर भर पेट के पीते हैं। इसे पीते हैं इसलिए कि गम भुलाने के लिए पीते हैं। तो ये भी ये इनका मतलब बिजनेस भी है, रोजी रोटी से, रोजी रोटी जी। जंगल साल में एक बार महुआ गिरता है जिसको ये लोग बीनते हैं सुखा के, अच्छा बाजार में बेच के। अच्छा ये है महुआ, आखिरकार महुआ देखने को हमें मिला। और ये देखिए ये है महुआ, है ना, ये महुआ है। इनको क्या शेर बालू का डर में पी के आराम से सोते, डर कम लगता है। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा मतलब अलग टाइप का है, ये सुगंधी अलग है इसका, है ना। ये चीज है देखिए, इससे शराब बनता है, इससे शराब बनता है भैया जी जी। जो बचा वो गया, ये हमने साथ में लिया था। दोस्तों बहुत ही मतलब हमने एक बड़ी गलती कर दी, और क्या ही बताएं, मतलब हमने सुबह हम निकल रहे थे 8 बजे, और हमें पता नहीं था भाई अभी जैसे सर्दियों का ही टाइम है नॉर्मली, तो हमने सोचा अभी पानी जल्दबाजी में हमने पानी नहीं लिया। और भाई जो हमारे साथ हैं वो अचानक उसके वो गुटखा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि गले में थोड़ा वो खरासी हो रही, बार बार प्यास लग रही, और मुझे भी प्यास लग रही, मुझे पानी पीने की आदत है। और भगवान ने पता नहीं ऐसा मतलब पानी हम क्यों नहीं लेके, मतलब इतनी बड़ी गलती हमने क्यों कर दी, तो पानी की वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। और अभी हम रुके हुए इसलिए कि हमने पानी नहीं लिया गया, तो पानी की वजह से। तो अभी क्या है, दिक्कत हो रही है अभी भी जी, पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत, गलती बहुत गलती कर दी हमने, गलती की हम पानी इस। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमने जो गलती की है वो आप गलती ना करें, हम पानी नहीं लेके आए। तो आप भी अगर बाई चांस यहाँ आते हो, पहली बात तो आप यहाँ आ ही नहीं सकते, लेकिन आते हैं कोई टूरिस्ट या ऐसे ऑफ रोडिंग करते हैं, तो पानी जरूर लेके जाएं, यहाँ नहीं कहीं भी जाएं, पानी की बोतल साथ में रखें। तो अब हम यहाँ इंतजार करते हैं, बहुत बड़ी हमने गलती कर दी, लेकिन जो भी है जैसे तैसे करके हम पानी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। क्या हुआ सीम भाई, कैसा लगा? नहीं फार पड़े। हाँ नहीं पड़े ना, यहाँ पे एक तो ना कानों में वायु दा, मतलब यहाँ पर क्या है कि आइए दोस्तों कंचना ध्रुवा पे जो यहाँ के महाराज हैं, करते हैं दर्शन, उसके बाद में आगे प्रस्थान करते हैं। यहाँ के चमत्कारी ये धाम है, और मैं तुलसाराम से पूछूंगा कि आप जब भी आते हैं तो यहाँ पे मतलब ये किन देवता का है, क्या भैरव है इसको? हमारी भाषा में बूढ़ा देव बोलते हैं जी। हाँ ठीक है ना, तो डूंगर में हम प्रवेश करते हैं भेड़ बकरी लेके, हाँ हम इसी आस्था में जाते हैं। अच्छा, जो कोई प्रसादी बोलना है, जो हर चीज इन्हीं के नाम के बोल के हम ऊपर चढ़ते हैं, आशीर्वाद हमारा काम, आशीर्वाद लेके जाते हो, बस आशीर्वाद से सफल होता है हमारा, ख्याल रखना आशीर्वाद, इसका आशीर्वाद से हमारा काम पूरा सफल होता है, सफल होता कभी ही भी कोई हमारे से परेशान नहीं आता। यहाँ से अब इस तरह से ये जो खतरनाक ये चढ़ाई है, सिंगल रोड है, कितना किलोमीटर आगे हो रहे हैं इनसे? तो बहुत दुर्गम रास्ता, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, लेकिन मेरे लिए अब एंड है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। मलेवा पहाड़ बोलता है ये, मलेवा पहाड़ है छत्तीसगढ़ ऊपर में, गुड़ा पहाड़ है
तो इस प्रकार से ये देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही इस प्रकार से देखिए बहुत ही मतलब तो यहाँ पर एक भाई साहब भी आए हैं, देखिए जंगल से आए हैं शायद। देखिए दोस्तों ऊपर से आए क्या? नहीं नहीं इधर से आ रहा है। अच्छा ऊपर नहीं गए? ऊपर नहीं गए। यहाँ से प्रसादी चढ़ाने के बाद आगे चलते हैं, दिखाते हैं अभी यहाँ पर ये झाड़ू निकालता है। हाँ ये आपका झाड़ू है, आप आते हैं जब भी, है ना? क्या बात है, देखिए कितनी श्रद्धा है तुलसाराम जी, जो कि पिछले 20 सालों से यहाँ पर भेड़ और बकरियों के ये मालिक हैं, इकलौते मालिक हैं। इनके पास बकरियाँ भेड़ पशुपालन करते हैं छत्तीसगढ़ के इन गनघोर जंगल से, और ये जो है राजस्थान के पुष्कर से ताल्लुकात रखते हैं। इसी चीज का मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी कोई जड़ भी नहीं है, और भाई बताओ इसके बारे में क्या है ये? ये बहुत आयुर्वेदिक चीज है, कई काम में आते हैं, जैसे गैस वैस प्रॉब्लम हो गया, हाँ। आपके पथरी उथरी का प्रॉब्लम हो गया तो भी इसका सेवन करने से आपको ये इन्हीं जंगलों में मिलती है और कहीं नहीं मिलेगी? जी नहीं, और हर जगह तो शायद ही मिलेगी। नहीं नहीं, क्या नाम है इसका? अमरबेल बोलते हैं। अमरबेल जी। अमर का मतलब ये मरती भी नहीं है कभी? नहीं नहीं मरती। जड़ भी है इसकी? नहीं, जड़ नहीं होती, बिना पानी का भी ये मतलब पेड़ के ऊपर में। ओके 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 दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है ये खाली हवा और इस सूर्य की प्रकाश से जिंदा रहती है जी। कहने का मतलब ये है। तो ऐसी काफी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ के इन घनघोर आदिवासी जंगलों में। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँ। ये वीडियो जैसे ही आते रहेंगे तो आप सोचना कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि यहाँ नक्सलवादी इलाके में जो है मौत को मौत का कफन बांधकर हम निकले हैं दोस्तों। कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करते हैं, ऊपर वाला क्या करवाता है क्या होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सभी की दुआओं से मैं आपको इन पूरे जंगल के आदिवासी लोगों के वीडियोज आपके सामने शेयर करूँगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे, धन्यवाद। यहाँ अभी रुक गए थे, आगे दुर्गम पहाड़ी इलाका है, तो अभी एक चीज़ हमें यहाँ नज़र आई है कि यहाँ जो जंगलों में हर प्रकार की किस्म के पेड़ पौधे, जंगली जानवर और यहाँ की कुछ ऐसे भी वनस्पतियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और महंगी होने के साथ साथ बेशकीमती होती हैं। जो जड़ी बूटी होती हैं वो अक्सर यहाँ पर मिलती हैं, आदिवासी लोगों को पता होता है, लेकिन एक छोटी सी नई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। चलता हूँ मैं, एक ऐसी चीज़, ये जो पेड़ है दोस्तों मैं आपको बता, अक्सर आपको पता होगा 1000 रुपये की किलो मिलने वाली अंजीर, ये अंजीर का पेड़ है देखिए। तो यहाँ इस छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में यहाँ पर देखो कुल्हाड़ी भी मार रखी है। ये कुल्हाड़ी किस लिए मार रखी है पता है आपको? ये कुल्हाड़ी किस लिए मार रखी है भाई साहब? ये कुल्हाड़ी इन्होंने किस लिए मार रखी? चढ़ने के लिए, पेड़ पे चढ़ने के। अच्छा, चढ़ने के लिए कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा, ये हर चारों साइड में जी, इससे नुकसान नहीं होगा पेड़ को? नहीं होता। अच्छा, ये कुल्हाड़ी इसलिए मारी है कि इसको नुकसान, पेड़ से पेड़ को कोई नुकसान नहीं होगा? ये पेड़ को कोई हथियार है ना, उसको काटने की कोशिश करा है। अच्छा, ठीक है ना। ये पेड़ का दूध है ना, हाँ, दूध निकाल के रुई का छुका था, रुई कपास उसमें ले लेते हैं, हाँ, और उसमें लेके दूध को, हाँ, इसको मोती जीरा हो जाता है, हाँ, पानी जीरा राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, हाँ, हाँ, हिंदी में बोलता है मोती जीरा, तो वो हो जाता है। तो 4 दिन तक उसको, 3 दिन तक पिला होगा ना इसका दूध, वो खत्म, बीमारी खत्म। अच्छा, इसके पेड़ से दूध से। और ये फल कौन सा है? फल है अंजीर, इसको बोलते हैं अंजीर। ये सूखेगा ना तो अंजीर बन जाएगा ये। अच्छा, पक्का नहीं है, अभी कच्चा फल है। हाँ 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 हाँ, ये पक्का नहीं है, कच्चा है। क्या बात है, अंजीर यहाँ पर बहुत सारे अंजीर लगे हुए हैं। ये अंजीर का पेड़ पे अंजीर बन जाएगा, सूखेगा तो। ये देख लो, फोड़ के अंदर से देख लो, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, अंजीर छोटे छोटे, ये देख लो, अब छोटे छोटे पूरा बड़ा बड़ा दाना आ जाएगा इसमें। और ये कौन से पक्षी है? ये बत्तख। बत्तख है यहाँ के ना, जंगली बत्तख है, ये जंगली बत्तख। जंगली बत्तख। और ये साइड का मैं नजारा आपको दिखा रहा हूँ, दोस्तों यहाँ पर ये जो है धरातल का पानी है नीचे का, और ये काफी मीठा पानी है, और ये इन इलाकों में सरकार द्वारा जो है हैंडपंप इस तरह से लगे होते हैं, थोड़ा इसका अलग है। पानी जो है दोस्तों इसके अंदर आयरन की मात्रा है मेरे हिसाब से, मतलब पानी के अंदर ऐसे लोहा है, लोहा
नमकीन नहीं है, लेकिन जैसे लोहा होता है पानी के अंदर, जो लोहे का स्वाद होता है उस प्रकार से है इसके अंदर। और ये धरातल का पानी है, करीबन 150-200 फीट नीचे से ये पानी आता है। थोड़ा ना